नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। आप बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है, इसको लेकर काफ़ी बड़ा विवाद बना हुआ है। एक तो सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए हैं 17 लाख, और दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है वो है कोरोना। यहाँ पर बीच बीच में दोस्तों अपडेट आते रहते हैं, जिसके चलते हम अपनी आस को बनाए रखते हैं कि एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा, या इस साल हो जाना है, और जिसके चलते हम अपनी तैयारी को और बेहतर करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ तो अपने को रखनी रखनी है कि हम अपनी तैयारी को बिल्कुल भी धीमा नहीं करना है। धीरे 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 अपनी तैयारी को अच्छे से अपने को मेंटेन दोस्तों रखना है। यहाँ एक खबर आई है दोस्तों, एक जयपुर की न्यूज़पेपर में 23 तारीख की है नवज्योति, और आपको आपने देख भी ली होगी, जगह जगह ये पोस्ट भी डाल दी गई है। तो जैसे ही मेरे सामने है तो मैंने इसको देखा, और आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगा मैं इसी के साथ। दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रही होगी, और अगर आपके पास ये कटिंग नहीं पहुंची, अगर आपको ये चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर देख लीजिएगा, मैं स्टोरी में इसे पेस्ट कर दूँ, वहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हैं। अब इस न्यूज़पेपर की कटिंग में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, इसमें जो एक मीटिंग हुई थी गुरुवार को, बोला जा रहा है डीजीपी भूपेंद्र सिंह के दो ने मीटिंग ली थी राजस्थान कांस्टेबल का जो एग्जाम है कंडक्ट करवाने के लिए, कि क्या किया जाए, कैसे कंडक्ट करो दोस्तों करवाया जाए। तो उन्होंने यहाँ पर साफ साफ, बहुत से एडीजीपी शामिल हुए, उन्होंने साफ साफ ये निर्णय लिए हैं कि कोरोना के केसेज लगातार बढ़ रहे हैं, इस स्थिति में पेपर करवाना बड़ा मुश्किल है। 17 लाख कैंडिडेट हैं, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आवागमन भी होगा, और यहाँ पर पूरे जो संसाधन है, गाड़ियाँ वगैरह हैं वो नहीं चल सकती, ट्रेनें भी बंद हैं, तो किस तरह से एग्ज़ाम दोस्तों कंडक्ट करवाया जाए, ये बड़ा एक इश्यू बन चुका है। तो वो ये चाहते हैं कि कोरोना के चलते हमें एग्ज़ाम करवाने में काफ़ी बड़ी मुश्किल आ सकती है, और अगर किसी को ले दे कोरोना हो गया तो बड़ा पेचीदा दोस्तों यहाँ पर काम हो जाएगा, तो पूरा ही सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, जिसके चलते वो ये कह रहे हैं कि हमें 2 से 3 महीने का समय चाहिए। न्यूज़पेपर में उन्होंने ये लिखा कि 2 महीने हमें और चाहिए। जो उनकी बातों से ये लग रहा है कि कोरोना जब ठीक हो, उन्होंने ये बोला है कि कोरोना जब ठीक हो जाता है उसके बाद हमें 2 महीने का समय चाहिए। तो यहाँ इन बातों से तो ये लग रहा है कि फिर 2020 में एग्जाम नहीं होगा दोस्तों आपका, है ना। जैसा उन्होंने बोला है कि कोरोना ठीक होने के 2 महीने और हमें चाहिए, तो कोरोना तो ठीक पता नहीं कब होगा, क्योंकि इसकी तो वैक्सीन भी दोस्तों यहाँ नहीं बनी है। तो कहीं ना कहीं इनका यही कहना है, इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि आपको एक थोड़ा सा लंबा इंतजार दोस्तों करना पड़ सकता है। कुछ आस हमारी जगी थी कि भी अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा, लेकिन अब वो आस की हमारी कम होती नजर आ रही है। लेकिन हमें डिमोटिव दोस्तों नहीं होना है, हाँ फिर भी ये सोच के चलेंगे कि सर हमारा अक्टूबर या नवंबर या दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो दोस्तों है कोरोना। अब हमारे हाथ में कोई ऐसे जादू होता तो हम कर देते कोरोना को ठीक, लेकिन अब कोरोना कैसे ठीक करें, ये तो एक नेचुरल से दोस्तों, अब इसको कैसे ठीक किया जाए, इसकी तो वैक्सीन भी नहीं बनी है। और सबसे बड़ी अहम बात ये भी हो गई कि 17 लाख फॉर्म भी भरे गए हैं, और उससे बड़ी बात ये होगी कि लॉकडाउन भी चल रहा है, और यहाँ पर पर्टिकुलर जो सिस्टम चलता है अपने ट्रेन वगैरह है, बसेस वगैरह वो चल नहीं रही है, तो पेपर कैसे दोस्तों कंडक्ट करवाया जाए, इनका ये मानना है। दोस्तों, हमारी यही रिक्वेस्ट है राजस्थान पुलिस विभाग से कि भी एग्जाम आप अक्टूबर में ना करवाएं, नवंबर में ना करें, लेकिन दिसंबर में तो करवा दीजिएगा कम से कम। आप 2 महीने की बात कह रहे हैं, तो 2 महीने, चलो अगस्त चला गया, आपको सितंबर और हम अक्टूबर, ये 2 महीने आपको दे देते हैं, ठीक, नवंबर भी आपके पास है, दिसंबर, तो आप 2 महीने और कर लीजिए तैयारी, नवंबर में एग्जाम करवा दीजिए लास्ट में, या हमारा एग्जाम दिसंबर में करवा दीजिएगा, हम तैयार हैं, हमारी तैयारी है। राजस्थान पुलिस विभाग से रिक्वेस्ट करता हूं कि 17 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, ये कहीं ना कहीं आप सभी के ऊपर आस लगाए बैठे हैं कि एग्जाम हमारा अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में हो जाएगा। आप ऐसा करें, अगर आप एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं नवंबर या दिसंबर के अंदर, तो आप स्पष्ट रूप से ये बात खुलकर बताएं सभी स्टूडेंट को कि हम आपका एग्जाम दिसंबर में या नवंबर में करवा देंगे, फाइनली करवा देंगे। अगर आपकी मंशा ये है, अगर आपने ये निर्णय ले रखा है इनडायरेक्टली कि हम एग्जाम 2021 में करवाएंगे, तो ये स्पष्ट रूप से खुलकर बता दीजिएगा कि हम जो एग्जाम कंडक्ट है वो 2021 में ही करवाएंगे, या हम एग्जाम तभी करवाएंगे जब कोरोना अच्छे से ठीक हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की,
जो एक तरफा तैयारी कर रहे हैं और इसी के चलते ये किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इनका एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में हो जाएगा, इसी आस के ऊपर अपनी तैयारी को और बेहतर करते जा रहे हैं, जिसके चलते और भी एग्जाम्स हैं उनकी अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही है एक पुलिस एग्जाम को लेकर। अगर आप ये बोल देते हैं कि हम एग्जाम 2020 में नहीं करवाएंगे, तो ये थोड़ा सा समय निकालकर किसी और भर्ती की तैयारी कर सकते हैं जिसका एग्जाम पहले हो जाना है। दोस्तों, अगर आपने ये निर्णय ले लिया इनडायरेक्टली और हमें स्पष्ट रूप से आप बता नहीं रहे हैं कि हम 2020 में नहीं 2021 में एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, तो ये बात भी आप जग जाहिर करें कि 2021 में कोरोना जब ठीक हो जाएगा तभी करवाएंगे, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे। तो बच्चे क्या होंगे और पेपर की भी तैयारी कर पाएंगे जो कि 2020 में दोस्तों होने हैं। और सभी स्टूडेंट्स में ये कहना चाहूंगा, हमारे हाथ में दोस्तों कुछ भी नहीं है। जब स्थिति ऐसी बन गई है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ हम तैयारी कर सकते हैं। लगातार आप तैयारी में जुटे रहें, जिस भी एग्जाम की कर रहे हैं ऐसे दुआ करें कि जल्दी एग्जाम हमारा कंडक्ट हो जाए और जो हम सपने लिए बैठे हैं वह अपने सपने पूरे कर पाएं। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जैसी भी स्थिति होती है हम लड़ेंगे, हम तैयार हैं, हम इतने कमजोर नहीं हैं कि हम हार मान लेंगे। कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और आप सभी के लिए मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें कॉन्स्टेबल एग्जाम को कैसे फाइट कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट को कैसे आपको टैकल करना है, सारी छोटी बड़ी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मजेदार होगी। फाइनल सिलेक्शन तक आपके साथ मैं जुड़ा रहूंगा दोस्तों। कोई भी डाउट होगा तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करके उसे सॉल्व करेंगे। लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहें, अगर चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहें। जल्द नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।